कोरियन फूड आजकल इंडिया में बहुत पसंद किया जा रहा है और कोरियन फूड की पहचान किमची है। वे लोग इसे साइड डिश के रूप में यूज़ करते हैं। हालांकि वे लोग किमची को बनाने में फिश सॉस का यूज़ करेंगे, लेकिन मैं इसे वेज किमची बनाऊंगी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पत्ता गोभी को रफली चॉप कर लेंगे और फिर उसमें नमक मिलाकर इसे करीब 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है और ये पत्ता गोभी श्रिंक कर जाए। मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा तैयार हो गया है और अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर मिक्स कर दूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट रेड चिली के साथ तैयार हो गया। मूली भी मेरा तैयार है, इसे मैंने पतले पतले पीसेस में काट लिया है। गाजर को भी मैंने पतले पतले पीसेस में काट लिया है और स्प्रिंग अनियन अनियन को भी मैंने चॉप करके रख लिया है। और अब हम चलते हैं पत्ते गोभी की ओर। ये देखिए कैबेज एकदम श्रिंक कर गया है, नमक डालने की वजह से कैबेज पूरी तरह से श्रिंक कर गया है और सॉफ्ट भी हो गया। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे और 2-3 बार इसे धो देंगे ताकि इसका एक्सेस सॉल्ट निकल जाए। इस तरह से पानी मिलाकर इसे 2-3 बार वॉश कर लेना है। आंच चलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए राइस फ्लावर सॉस किमची के लिए रेडी हो गया है और अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इस कैबेज में मैं बाकी सारी सब्जियों को मिक्स कर दूंगी। और इसमें तैयार अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी मिक्स कर देंगे और स्लरी जो हम लोग राइस फ्लावर का बनाए थे उसे भी मिक्स कर देंगे। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम सोया सॉस भी डालेंगे, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा भुना हुआ तिल डाल देंगे और ये हमारा किमची अब रेडी हो गया। ये इंस्टेंट रेसिपी है, इसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं खाना और इसे आप करीब 1-2 महीना इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसे आप फ्रिज में रखिए। अगर आपको ये मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।